जबलपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमी निदेशक रिट्रीट में शामिल हुए, जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने उनको गणेश प्रतिमा भेंट की। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने ग्रंथ भारत के न्यायालय अतीत से वर्तमान तक का विमोचन किया और इसकी प्रथम प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें भारत की न्यायपालिका पर गर्व है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रतिष्ठित न्यायपालिकाओं में से एक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने न्यायपालिका की तारीफ की और कहा कि नीरव मोदी वाले मामले में जब नीरव मोदी ने कहा कि मुझे लंदन में न्याय मिलेगा, तब लंदन की अदालत ने कहा भारत की न्यायपालिका की अपनी प्रतिष्ठा है, वह निष्पक्ष है, ये बात सारी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा समय के साथ साथ हम जानते हैं कि न्याय देने में जटिलता आई है। पहले क्रिमिनल और सिविल के मामले होते थे, लेकिन अब साइबर क्राइम के अनेक पक्ष हैं, जिसमें केवल न्यायपालिका को भी नहीं, प्रशासन, पुलिस को भी कई तरह की तैयारियां करना पड़ेंगी। शिवराज ने कहा कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, न्याय कैसे जल्दी मिले इस पर विचार होना चाहिए। दुनिया भर में कहा जाता है देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं है, सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय कैसे मिले, इस दिशा में ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें दक्ष न्यायपति चाहिए। भारत की न्यायपालिका मैं गर्व के साथ कहता हूँ दुनिया की सबसे अधिक प्रतिष्ठित न्यायपालिकाओं में से है। और अभी नीरव मोदी वाले मामले में जब नीरव मोदी ने यह कहा कि नहीं मुझे वहां न्याय मिलेगा, तो लंदन की अदालत ने कहा कि भारत की न्यायपालिका की अपनी प्रतिष्ठा है, ये सारी दुनिया जानती है। समय के साथ साथ हम जानते हैं कि न्याय देने में जटिलता है। पहले केवल क्रिमिनल और सिविल के मामले होते थे, लेकिन अब तो साइबर क्राइम के अनेकों पक्ष हैं, जिस पर हमें केवल न्यायपालिका को नहीं, प्रशासन को, पुलिस को भी कई तरह की तैयारियां करनी पड़ेगी। दक्ष मानव संसाधन हमें चाहिए और दक्ष मानव संसाधन के साथ साथ हमको कई आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना पड़ेगा, तो उस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।